सो वेलकम बैक टू वन मोर सिन ऑफिशियल पॉडकास्ट, और आप सबका स्वागत है। और ये जो पॉडकास्ट पूरा होने वाला है, ये बनाने का हमारे दो से तीन मकसद है। मेरे साथ वापस मेरा भाई प्रतीक है, और ये जो हम पॉडकास्ट बना रहे हैं प्रतीक, इसके पीछे मेजर जो पर्पस हमने इस बार रखा है, इसका जो हम टाइटल रख रहे हैं वो है जस्टिस फॉर हर। और इसके पीछे का कारण ये है कि अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया के अंदर जो रेप्स, जो मर्डर्स जो बढ़ रहे हैं, जो हमारी लड़कियों के साथ, जो हमारी जो देश की बेटी है उनके साथ ये जो चीज़ें हो रही है, हम उसके ऊपर ही थोड़ा विचार विमर्श करने वाले हैं हमारे, और उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो जो कोलकाता के अंदर इंसिडेंट हुआ, सबसे पहले तो जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको सबको मैं मतलब क्या ही कह सकता हूँ, मतलब उनको एक तरीके से मैं आपको सद्भावना देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ हुआ वो बिल्कुल सही नहीं थी। और ये चीज़ बिल्कुल बिल्कुल भी लॉ के तरीके से देखें या अगर हम कोई भी तरीके से देखें, इट इज़ नॉट एट ऑल टॉलरेटेबल। तो वास्तव में जो चीज़ हुई है बहुत ज़्यादा गलत हुई है, और हम इन सब के प्रति हमें खड़ा होना चाहिए। प्रतीक, इस चीज़ पर आपका क्या विचार है? गलत हुआ है जो भी चल रहा है अभी सीन की, जैसे वो लाइक जितना मेरे को आइडिया है इसके बारे में, तो मैं सबको पहले बता दूं हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली जो अभी कोलकाता के अंदर में जो मर्डर एंड रेप केस हुआ था, उसके बारे में इस चीज़ का खुलासा हम लोग करने वाले हैं। एक्चुअली जितना मैंने पढ़ा था इस चीज़ के बारे में, तो लाइक नाइट शिफ्ट थी, जो लेडी डॉक्टर थी उनकी नाइट शिफ्ट थी, एंड नाइट शिफ्टिंग के अंदर में ये कुछ RK मेमोरियल कॉलेज करके हुई है, उस कॉलेज के सेमिनार हॉल के अंदर उन्हें रात के 2 बजे फ्राइडे का टाइम था, वो उन्हें रुकने के लिए बोला था। जब वो रुके थे वहाँ पर, तो एक्सीडेंटली सुबह जब ऑन अर्ली मॉर्निंग बेसिस जब सब कुछ चेकिंग वगैरह हुई, तो वहाँ पर उनकी बॉडी डेड मिली, और लाइक पूरी मतलब ऐसे ब्लीड हो रखी थी, हाथ पैर नाक जगह जगह से खून निकल रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आजकल, और लोग सही करते हैं कि यार रात को बाहर नहीं भेज सके, और इससे लड़कियां भी खुद को अनसेफ फील करती हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता प्रतीक कि कुछ समाज के ऐसे एलिमेंट्स की वजह से जो लड़कियों के साथ इस तरीके से हरकतें करते हैं, हमारा देश काफ़ी हद तक पीछे जा रहा है? तभी तो अमेरिका के कंपेरिजन तक नहीं आ पा रहे अपन लोग, यही तो है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि कुछ केसेस की वजह से होता ये है कि हमारे देश की लड़कियों का जो टैलेंट है वो बाहर आने से रुक जाता है, बाहर आ ही नहीं पाता है। काफ़ी ऐसी जगह है, हमने काफ़ी ऐसे हम गांव भी जानते हैं जहां पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है, लाइक एक सोशल स्टिग्मा है। तो अगर यही चीज़ जारी रही तो जो गांव में चीज़ करी जा रही है वो करनी ही पड़ेगी इन द अलार्मिंग सिचुएशन, एक लड़की की सेफ्टी के लिए। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर जो मेरे को लगता है प्रतीक, जैसे हम देखते हैं कि जो अलग अलग देश हैं, ठीक है, हम प्रॉपरली किसी देश का मैं नाम नहीं लूँगा, बट मैं कुछ नाम ज़रूर लेने की कोशिश करूँगा, बिकॉज ये जो हम पॉडकास्ट बना रहे हैं कम्प्लीटली इस चीज़ के ऊपर ही बना रहे हैं कि ये चीज़ को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। चाहे हम अफगानिस्तान की बात ले लें, इवन अफगानिस्तान जैसी कंट्री में भी ऐसी काम करने के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, और पनिशमेंट टू डेथ है। ठीक है, आप कहीं भी बाहर चले जाओ, आप कोई भी देश में चले जाओ, इस चीज़ को इवन इजिप्ट के अंदर भी इस ऐसे अगर कोई अपराध करता है तो वहाँ पर बहुत कठिन कारागार मिलता है, या उनको मौत ही दे दी जाती है। नॉर्मली तो उनको मौत ही दी जाती है। तो ये जो चीज़ है ये कितनी ज़्यादा टफ है, और कितनी ज़्यादा डेंजरस अलार्मिंग सिचुएशन हमारे देश के लिए बन रही है कि जहाँ पर पहले निर्भया का केस हुआ था, वहीं नेक्स्ट अभी वापस कोलकाता का केस हुआ, और अभी हाल ही में खबर आई है, शायद उत्तराखंड था या उत्तराखंड में उत्तराखंड में भी ये केस हुआ, और देश के जगह जगह वो जगहों पर हमें ये केसेस देखने को मिल रहे हैं जो लड़कियों की सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। यानी हम किस तरफ जा रहे हैं यार प्रतीक, एक बार बता, लाइक हम किस की तरफ जा रहे हैं? एक तरफ हम बात करते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक तरफ हम देश को सलाम कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, वहीं दूसरी तरफ हम इस चीज़ को अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि हमारे देश की जो बेटी है, हमारे देश की जो नारी है, वो सेफ रह सके। यही सबसे ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। एक्चुअली इसका जो जैसे कहते हैं ना रॉ ऑफ एनरोलमेंट, इस चीज़ को थोड़ा अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, एक्चुअली आराम से इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, जितना मैं जानता हूँ चीज़ों के बारे में कि ये ना एक मतलब जिसे कहते हैं ना कोई भी, जैसे अभी पत्थर है, पत्थर टूटता है तो वो टाइम लेके टूटता है, उसको कुछ ना कुछ ऐसा उसमें कुछ होता है तब जाकर पत्थर टूटता है। सही बात। यहाँ पर क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। इसकी जो स्टार्टिंग है, वैसे क्या होता है ना, देखो बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा, कोई भी आदमी हो, बच्चा तो रहा ही होगा, तो बच्चे के अंदर दिमाग नहीं होता है, उसमें दिमाग डाला जाता है,
पॉइंट है। अगर बच्चा, ठीक है, पहली बात तो बच्चों के जो पेरेंट्स है भाई, क्योंकि बच्चा जो है ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के पास में रहता है, जब वो अपने पेरेंट्स के पास में रह रहा है तो पेरेंट्स का ये जैसे कहते हैं ना मोटो होना चाहिए, हमारा बच्चा अच्छी चीज़ें सीखे। सही बात है, सही बात है। कुछ पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं एक्चुअली, कुछ ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान देते हैं तो बच्चों ऐसे गलत दोस्तों के हाथ में चले जाते हैं जो कि मतलब जिनके खुद के पेरेंट्स उन्हें नहीं समझाते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर हमें इस चीज़ को रोकना है तो हमें एक चीज़ को यहाँ पर डालना पड़ेगा, विच इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। हमें अनएम्प्लॉयमेंट को रोकना पड़ेगा, खाली दिमाग शैतान की कार्यशाला होती है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों को रोकना पड़ेगा, इससे लोगों के माइंड में मैच्योरिटी डेवलप होगी। अब ये क्या चीज़ है, ये एक इमैच्योरिटी वाला काम है, दिस इज़ इमैच्योरिटी। अब क्यों किया, किस लिए किया, किस चीज़ के लिए किया, नहीं मालूम, ठीक है, ये अभी तक रीज़न सामने नहीं आया कि उसने ऐसा किया क्यों। और आपको नहीं लगता प्रतीक कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को सीरियसली लेके गवर्नमेंट, सीरियसली लेके गवर्नमेंट एक्शंस लेने चाहिए जिससे फर्दर चीज़ें रुके, फर्दर चीज़ें रुके। दूसरा, उन्हें ये भी करना चाहिए कि जो ये जो चीज़ें हो रही है इसे जड़ से अगर ख़त्म करना है तो हमें सबसे पहले लोगों को काम देना पड़ेगा और एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, टीचर जो है वही 10 साल पुराना कोर्स अभी तक पढ़ा रहा है, ठीक है, वो कोई काम का नहीं, प्लस प्लस ही होता है, माइनस माइनस ही होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड ही होता है, उससे कुछ नहीं होगा। आप किसी की रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो, मॉरल एजुकेशन ख़त्म हो चुकी है स्कूल से, मॉरल वैल्यूज की कोई वैल्यू नहीं। भले ही आप ह्यूमन वैल्यूज पढ़ा रहे हो, भले ही आप मॉरल वैल्यूज पढ़ा रहे हो, बट उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो उसका वैल्यू जीरो हो जाती है। हमारे कॉलेज में ह्यूमन वैल्यूज के एग्जाम्स होते हैं रिटन, और मैं अभी तक ये सोच रहा हूँ ह्यूमन वैल्यूज लिखता कौन है। एग्जाम इस तरीके से होना चाहिए ना, आप कॉलेज में हो, आपका फर्स्ट टू लास्ट पूरा ट्रैक होना चाहिए, पूरा ट्रैक होना चाहिए कि आप किस तरीके से क्लास में बैठते हो, किस तरीके से चीज़ें सुनते हो, किस तरीके से बिहेव करते हो। अब कुछ बच्चे हैं पीछे बैठ के शोर करेंगे, बैकग्राउंड वॉइस की बात कर रहा हूँ, पीछे बैठेंगे शोर करेंगे, क्या वो शोर सही है, उस बेसिस पे उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे वहीं पर ही। ये जब सिस्टम लागू होगा ना तो ये रेप जैसी केसेस बहुत छोटी बात हो जाएगी, होगी, क्योंकि देखो कभी भी आप देखते हो ना ऐसे क्रिटिकल केसेस तक जाने से पहले उस बंदे की हद पार, उस लेवल तक जाने के लिए वो धीरे धीरे हद पार होती है, धीरे धीरे हद पार करता है वो, एकदम से कुछ एकदम से वो नहीं करता, क्योंकि उसको भी पता है इसके रिपर्सिकेशंस बहुत ज़्यादा भारी हो सकते हैं। तो अब दिक्कत ये हो रही है कि हमारे देश में, जैसे आपने अभी लास्ट टाइम में पिछले साल की बात करता हूँ, OMG2 करके मूवी आई थी, OMG2 करके मूवी का कंसेप्ट बहुत अच्छा था, बट मेरे को आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई प्रतीक, क्यों OMG2 को नेशनल जो बोर्ड है, जो अपना मूवीज़ का बोर्ड है, उसने कितने सारे सीन्स उसके कट कर दिए आउट ऑफ नो रीज़न। आई एम नॉट गेटिंग, द मूवी वॉज रियली ग्रेट एंड द सिग्नल वॉज ऑल्सो कमेंडेबल। अब वो जो सिग्नल देना चाह रही थी वो ये देना चाह रही थी कि सेक्स एजुकेशन को भी पढ़ाया जाना चाहिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। उसका कारण है यार, क्यों कारण है, जब तक आप एक ऑपोजिट सेक्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानोगे, कैसे उनके साथ बिहेव करना है वो आप नहीं जानोगे, तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग और अलार्मिंग सिचुएशंस बन जाती है। बिल्कुल, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो क्या करेगा उस समय जब ऐसी सिचुएशंस आएगी। और हम जानते हैं कि मेजरली जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 18 के ऊपर होती है, उनकी कुछ ऐसी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है उस एज ग्रुप में। तो जब तक उस चीज़ में हम गाइड नहीं करेंगे स्टूडेंट्स को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, तब तक मेरे को नहीं लगता है कुछ ज़्यादा मेजर चेंज आ पाएगा। हम चाहे कितनी बार ही मोमबत्तियाँ लेके पहुँच जाए या कुछ भी हम कर ले, बट ये तो निर्भया केस में भी हुआ था, हमने वहाँ पर भी ये काम किया, बट उसका हुआ क्या, वापस ये केस हो गया। पॉइंट इस तरीके से होना चाहिए ना, देखो इस चीज़ में गुस्सा आता है, नो डाउट ये चीज़ गुस्से वाली है, बिकॉज सीन ऐसे होते हैं, आज का केस नहीं है, बहुत पुराना केस है, काफ़ी टाइम से चलते हैं, ये हमेशा होता है और कोई एक्शन नहीं उठाता है, होना ये चाहिए यार। थोड़ा सा ये ऑफेंसिव होगा, बट जितनी भी लड़कियां अभी इस वीडियो को सुन रही है, एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, चाहे आपको आपके पास में परमिशन हो नहीं हो, आप अपने साथ में डिफेंस मैकेनिज्म जैसे कि लाइटर हो गया, वेपन्स हो गया, पेपर स्प्रे, नाइफ हो गया, पेपर स्प्रे हो गया, ये सब रखो। इफ़ यू कांट कैरी नाइफ एंड अदर वेपन्स लाइक दे आर लाइसेंस बेस्ड, कि आपको लाइसेंस उसका लेना पड़ता है, तो आप पेपर स्प्रे रखो, पेपर स्प्रे जरूर रखिए, या कुछ जगह जैसे आप अगर अपने पास चिली पाउडर रख सकते हो, चिली पाउडर रख सकते हो, मिर्ची पाउडर आप ऐसे, और सबसे ज्यादा देखो सबसे ज्यादा मैं आपको सिग्नल देता हूँ, हमारे देश के अंदर आपको देखो घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, चाहे आप कितनी भी, चाहे कोई भी अलार्मिंग सिचुएशन हो, बट आपको निकलना तो पड़ेगा। मैं मान सकता हूँ, मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ
बींग एज अ ब्रदर बींग, आप जो भी मेरे को समझे, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर ये चीज़ कह सकता हूँ कि आपको अगर कुछ बड़ा लाइफ में काम करना है तो वो घर से तो निकलना ही पड़ेगा। सो वॉट यू कैन डू, आप या तो कोई अपना सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है। सेकेंड चीज़, कुछ ऐसे स्पेशल एप्लीकेशन है प्ले स्टोर वगैरह पे जिसको आप यूज़ कर सकते हो इस सिचुएशन में, उसको भी आप इंस्टॉल करके काम में ले सकते हो। एंड थर्ड थिंग इज, आप स्पीड डायल पे कुछ ऐसे नंबर्स रखो कि इन द इमरजेंसी केसेस आप वो रखो। कुछ ऐसे स्मार्ट वॉचेस भी आ गई है, कुछ ऐसे डिवाइसेस आते हैं आजकल प्रतीक जो लड़कियों की सेफ्टी के ऊपर बहुत काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली कुछ नाम नहीं पता, बट स्टिल मैंने कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब के ऊपर और शॉर्ट्स में, तो मेरे को ये चीज़ पता है कि कुछ ऐसे डिवाइसेज हैं और कुछ एप्लीकेशन हैं। अब ये तो बात होती है ये लोग अपनी सेफ्टी कैसे करेंगे, अब बात आती है जो लड़कों का नेचर है। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना कि इन दो चार मछलियों की वजह से पूरा तालाब गंदा माना जाता है, ऐसा कहते हैं और होता भी है ये। तो अब इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए हम लोग जो है, जो भी मेंस वगैरह जितने भी लोग हैं, उन सबको ये सिखाना पड़ेगा कि उन जो लड़कियाँ होती है, जो लेडीज़ होती हैं, उनकी रिस्पेक्ट किस तरीके से आप करें, उनको किस तरीके से आप रिस्पेक्ट से रखें। बिकॉज़ क्या होता है ना कि ये लोग समझते नहीं है, कोई समझता नहीं है इन चीज़ों को। फिर क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे के अंदर में वो जब चीज़ें डेवलप होनी स्टार्ट होती है ना, एंड में ये सब चीज़ें एंड सब, क्योंकि एंड में वही होगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, जितनी ज़्यादा आप इस चीज़ में दलदल में जाते रहोगे ना, उतना ज़्यादा आप और गहरा अंदर जाते रहोगे। बिल्कुल। तो इससे निकलने का एक ही तरीका है, आप सब दोस्त वगैरह मिलके आपस में बातचीत करें, चीज़ों पे डिस्कशन करें, जिससे कुछ ऐसे काउंसलिंग सेशंस हैं जो आप कर सकते हो, जिनको आप ऑप्ट कर सकते हो। होता है देखो, माइंड में आपकी चीज़ें आ सकती है, बैड चीज़ें आएगी, और वो आनी भी चाहिए क्योंकि आप है वो चीज़, क्योंकि आपका हार्मोनल चेंज होता है इस एज में। तो अब उस चीज़ से बचने के लिए आप काउंसलिंग सेशन ज्वाइन करो, कोई गलत नहीं है अगर आप काउंसलिंग जाते हो तो, कहीं या किसी से भी करते हो, ज़रूरी है वो होना। ऐसा मत सोचना कि कुछ लोग होते हैं कि काउंसलिंग हम लोग कर रहे हैं तो हम उसमें आ रहे हैं, पागल तो नहीं है, पागल थोड़ी है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर फिट एंड फाइन एंड यू आर गुड टू गो। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है, देखो तीन चार चीज़ें याद रखनी है आपको। पहला, अपनी सेफ्टी एक तो अपने रखिए, चाहे आप लड़का हो, इवन लड़कों को भी मैं तो कहता हूँ आज के टाइम इतना ख़राब है प्रतीक, रखो, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़कियाँ हो, आपको अपनी सेफ्टी रखनी पड़ेगी। आप अपने ग्रुप्स के साथ रेगुलरली एक्टिव रहिए, अकेला रात को आप बाहर जाओ उसका मना नहीं है, बट आप उसका एक सेफ्टी अपना रखिए। और देखो गवर्नमेंट, इस वीडियो को अगर गवर्नमेंट का कोई भी इंसान देख रहा है या गवर्नमेंट से कोई भी बॉडी या कोई मिनिस्टर देख रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज़ कुछ आप इन एक्टिविटीज़ को देख के कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग रूल्स निकालो जो कि एग्री करे। क्योंकि मेरे को कोलकाता गवर्नमेंट ने जो किया वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो भी मैं किसी को स्टेट अवे टारगेट नहीं कर रहा, बट व्हाट आई वांट टू से इज, जहां पर यूथ का फ़ायदा नहीं हो रहा है या जहां यूथ को रिपर्किकेशन सहन करना पड़ रहा है, नुकसान सहन करना पड़ रहा है यूथ को, वहां पर ये चीज़ होना बिल्कुल भी सही नहीं है। या मतलब आपको कुछ ऐसी लॉ में पॉलिसीज लानी पड़ेगी जो इस चीज़ को प्रिवेंट करें, आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, इसकी अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, और जो भी इसके क्रिमिनल्स हैं जो ये काम करते हैं उनको आपको बहुत टफ सजाएं देनी पड़ेगी, नहीं तो ये चीज़ रुकेगी नहीं। बिल्कुल, मेरे को ये चीज़ नहीं लगती, क्योंकि देखो जगहों का तो कोई मैटर नहीं है, कलकत्ता को हम ब्लेम नहीं कर सकते। निर्भया केस हुआ, उस समय बोला गया था कि हम बहुत ज़्यादा अवेयर करेंगे, इस चीज़ को करेंगे, फिर ये केस हो गया उत्तराखंड में, अभी फिर वो केस हो गया। इवन अभी हमने 7 to 8 केसेस निकाले हैं जिसके अंदर इवन एक में तो आप, इवन फादर इज ऑल्सो डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग विद अ डॉटर। यू कांट इवन इमेजिन ऑफ अ सिचुएशन, यू आर लिविंग इन अ कंट्री, द कंट्री इज डेमोक्रेटिक कंट्री विच इज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, एंड देयर वी आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ वायलेंस, इट्स नॉट एट ऑल यू नो टॉलरेटेबल इन इंडिया, इट्स नॉट टॉलरेटेबल। तो इस चीज़ को आपको रोकने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इवन स्कूल्स को भी सेक्स एजुकेशन को लाने के बारे में सोचना चाहिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें, क्योंकि ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है देश में। जब तक हम ओपनली इन चीज़ों पे डिस्कशंस नहीं करेंगे, कई कई घर में भी कल्चर होता है, किसी को प्रॉब्लम्स होती है इन चीज़ों की, तो ओपनली घर पर बता नहीं पाते इन चीज़ों को। और इसकी वजह से मैं आपको बताऊँ, लेट मी टेल यू वन केस, इसकी वजह से क्या होता है, बच्चा आपको खुल के नहीं बताता। जो भी माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आप अपने बच्चों से खुल के एज अ फ्रेंड पूछिए। आफ्टर 18 यू ट्रीट देम एज अ योर फ्रेंड, राइट? क्योंकि जब तक आप फ्रेंड की तरह बात नहीं करेंगे, आपको खुल के चीज़ें नहीं बताएंगे। उनको गुड टच और बैड टच के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हम ब्लाइंडली इवन हमारे रिलेशनशिप वालों पे या हम किसी पे भी जो अपने रिलेशंस में होते हैं उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और बच्चों की बात नहीं सुनते, इट्स नॉट एट ऑल गुड। आपको उनका एज अ फ्रेंड बनना है और उनसे डिस्कशंस करने हैं इन चीज़ों पे, जिससे बच्चा मन ही मन ना घुटे। इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया में सुसाइड केसेस भी बढ़ते हैं फिर। बिल्कुल, क्योंकि बच्चा बता नहीं पाता खुल के चीज़ें, और उसके पास उस एज में कोई भी नहीं होता जिनको वो चीज़ बता सके।
आई एम लकी एंड इवन प्रतीक भी ऑल्सो लकी कि हमें ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो हमारी चीज़ें चीज को समझते हैं और सुनते हैं. सो व्हाट आई वांट कि इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम सिन पॉडकास्ट टू एवरीबडी एल्स इज वॉचिंग दिस, प्लीज़ बी ओपन टू योर फ्रेंड्स, प्लीज़ बी ओपन टू योर चिल्ड्रन एंड प्लीज बी ओपन टू योर सिस्टर्स, प्लीज बी ओपन टू योर फ्रेंड्स. इट्स रियली इंपॉर्टेंट इन दिस एरा बिकॉज प्रतीक मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी लगती है अगर जब तक ओपन नहीं होंगे, खुल के चीज़ें बाहर डिस्कशन नहीं होंगे. पेरेंट्स क्या होता है ना, पेरेंट्स थोड़े से एरोगेंट होते हैं बच्चों को लेके आज के टाइम में. क्योंकि सारे तो नहीं होते हैं, कुछ में फ़र्क है, कुछ में फ़र्क है एक्चुअली क्या होता है ना, बट वो कुछ ही तो आगे चल के ऐसे होते हैं. अब एक मैं चीज़ बताता हूँ, इसका स्टार्टिंग जितना मैंने रिसर्च किया है इसका स्टार्टिंग किस तरीके से होता है. एक्चुअली क्या होता है ना, एक जो लड़का होता है उसमें अपनी एक ईगो होती है, ईगो इन सेंस थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है. अगर लेट सपोज, क्योंकि एक्चुअली ये सारा का सारा जो केस होता है ना, या तो ये जितने भी बड़े बाप के लड़के ये ही करते हैं, जितने भी अभी तक केसेस हुए हैं जिसमें लोग छूटे उनके पीछे बहुत शानदार पॉलिटिकल पावर थी, तो इसका मतलब दे आर ऑल वेल एंड गुड, दे आर कमिंग फ्रॉम वेल एंड गुड फैमिलीज, तो उनमें ईगो होगा. या एग्जैक्टली बात करो तो उस समय उनके पेरेंट्स अगर उसी टाइम उसको रोक दे या कंसल्ट कर दे तो एक्चुअली क्या होता है ना, अब जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली है वो इस चीज़ को नहीं रोक सकती, ठीक है, वो इतना प्रोटेक्शन नहीं कर सकती अपने बच्चे को इतने भारी केस में. पेरेंट उस बच्चे को भी ये बात पता है, तो इसीलिए जब भी उसके साथ में लेट सपोज किसी ने, कोई लड़की ने कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल दिया उसको, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, ये उल्टा सीधा कोई अगर बोल देता है किसी को तो वो अपनी पावर दिखाने का ट्राई करता है. That's the main issue. ये immaturity होती है और वो चीज़ जब तक काउंसलिंग नहीं होगा या जब तक काउंसलिंग नहीं होगी, कोई लड़के की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी, देर इज नो चांस की. देखो दो इंसान ही इंसान को इस चीज़ से निकाल सकता है, या तो अच्छा फ्रेंड होता है उसका या गुरु या उसके पेरेंट्स, और कोई नहीं आता है इस चीज़ में. अब एक्चुअली क्या होता है ना, इसको फ्रॉम रूट में निकालने का ट्राई करता हूँ. श्योर. लेट सपोज, क्योंकि एक केस ऐसा मैंने पढ़ा था, ठीक है, कि हुआ ऐसा, उस बच्चे की स्टार्टिंग से मैंने कहानी पढ़ी थी, वो कहाँ पैदा हुआ, किस तरीके से उसने काम किया, एक रेपिस्ट, ठीक है. उस बच्चे ने क्या किया कि वो जब पैदा हुआ तो एक मिडिल क्लास फैमिली में था. जब वो बच्चा पैदा हुआ था ना, तो उसका क्या हुआ था, एक टाइम पर जब वो लाइक 11th 12th में था, उस बच्चे का लाइक होता है ब्रेकअप हो ही जाता है सबका, उस बच्चे का ब्रेकअप हो गया. ये कहानी रियल है एक्चुअल में, निर्भया केस के अंदर में एक 18 साल का बच्चा था, ये उस बच्चे की कहानी है, ठीक है, ये चीज़. तब उसके माइंड में क्या हुआ, ऐसे मतलब फ्लो में जैसे कहते हैं ना, चले जाते हैं डिप्रेशन के अंदर में लोग, ठीक है. जब उसको उस डिप्रेशन से बाहर निकाला उसके पेरेंट्स या किसी भी फ्रेंड वगैरह ने, तब क्या हुआ था, उसके पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था. हुआ यह था, उसने अपने पापा को कुछ ऐसा कुछ बोल दिया था जिसकी वजह से उसके पापा ने उसको मारा, बहुत मारा. अब इधर बच्चा फैमिली प्रेशर से दूज रहा है, उधर उसका ब्रेकअप हुआ है, तीसरा उस बच्चे की एकेडमिक्स नहीं है, ठीक है, और चौथा उसके पास कोई दोस्त नहीं है. अब इस हालत में जो बच्चा है वो क्या करेगा, सुइसाइड, तो वो मर गया. अब एक केस सेम हुआ था, बट क्योंकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था तो उसने उस लड़की को ही ख़त्म कर दिया. सो यू नो, ये इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है. ये बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया गया है कि भाई देखो, आपको बच्चों से ना तो वॉयलेंसली ट्रीट करके बात करनी है. देखो वो जानवर नहीं है, बच्चा है वो, ठीक है. उसको अगर मारोगे तो देखो, इस एज ग्रुप में 18 के बाद अगर आप उसको मारते हो ना, तो अंटी अनलेस इज वेरी मच यू नो वैल्यू वाला आदमी हो, अगर वो नॉर्मल होता है तो उसको गुस्सा आता है, बिकॉज इस एज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं. सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन वॉट फेजेज वी आर गोइंग ऑन, राइट. सो इस चीज़ को आपको समझ के आपके बच्चे को ढंग से कंसल्टेंट वे एज अ फ्रेंड की वे बात करनी है. लाइक हमने संजू मूवी देखी थी, तो संजू मूवी के अंदर सबसे बेस्ट सीन होता है जब कमली उनको कहता है, लाइक संजय दत्त के पिताजी को कहता है कि आप अपने बेटे को, आप उनसे दोस्ती करिए, उनके साथ बैठिए. और जब ये चीज़ होती है तो आप नोटिस करना, संजय दत्त ऐसी टेरिबल सिचुएशन से भी बाहर आता है. बिल्कुल, ठीक है. तो आप ये जानते हो कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है हमारे देश में, ठीक है. तो हमें इस चीज़ को सामना करना है और इस चीज़ को समझना है दोस्तों. ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज़ एज अ फ्रेंड सबसे ट्रीट करिए और उनसे ढंग से बात करिए. आपके जो बच्चे हैं ना, वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, उनमें बहुत पावर है.
और ये जो एज है ना, ये तो वो एज है जिनमें वो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो नेगेटिव में गए तो इतना नेगेटिव हो सकता है यू कांट इवन इमेजिन, और अगर पॉजिटिव में गए तो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बट आपको ये चीज़ उनको बतानी पड़ेगी, उनके साथ फ्रेंड्स की तरह बिहेव करना पड़ेगा। आप अगर उनके एज अ सीनियर बनोगे या आप ऐसे गुस्से में उनसे बात करोगे कुछ नहीं होने वाला, उल्टा वो आपको चीज़ें बताना बंद कर देंगे, विच इज़ इवन मोर डेंजरस। तो ये चीज़ आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है, और काफ़ी अच्छा लगा प्रतीक हमने इस चीज़ पे बात करी। तो कुल मिला के हमारा यही सिग्नल है प्रतीक कि गवर्नमेंट्स को इस चीज़ पे देखना चाहिए और जस्टिस करना चाहिए, ठीक है जी। हमारे वहाँ बोलना चाहूँगा लाइक पेरेंट्स कभी कभी क्या है ना, अब इस चीज़ को मतलब अपने वे में सोचेंगे। जो पेरेंट्स है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स इसको अब अपने वे में सोचेंगे। बिकॉज क्या है, उन्होंने जो ज़माना देखा है ना दैट इज़ 80s, वी आर इन 2024, सोशल मीडिया एरा है, दिस इज सोशल एरा। यहाँ पर क्या है, लोग कभी भी किसी से बातचीत कर सकते हैं। अब कुछ रील्स हो गए, मीम्स, उन्हें समझ में नहीं आता है, तो हमें वो जब हम उन्हें समझाने बैठते हैं तब उनका ईगो बीच में आ जाता है एक्सपीरियंस का। नो डाउट यू हैव द एक्सपीरियंस, बट दिस इज नॉट कि आपको सब कुछ आता है। समय बदल गया है, बिल्कुल समय बदल गया है। लाइक आप जब छोटे थे तो आपके जो पेरेंट्स थे उन्होंने बिल्कुल अलग टाइम देखा था, तो वो उस समय आपको लगता था यू आर न्यू, तो वही सेम अब बच्चों पे है। अब बिल्कुल आज के टाइम में मैं बताऊं प्रतीक, इतने डिस्ट्रेक्शंस हैं, इफ यू गो ऑन इंटरनेट ना, आप एक वर्ड सर्च करोगे ना, आपको उसके हजार रिजल्ट्स मिलते हैं एक ही चीज के। बिल्कुल, और इस एज में इतने डिस्ट्रेक्शंस आते हैं क्योंकि आप इंटरनेट से घिरे हुए हो, इतने डिस्ट्रेक्शंस आते हैं कि आप उससे फाइट आउट नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, तो यही चीज़ है कि आप बच्चों को सपोर्ट करो। और हमारे डॉक्टर्स जो इंडिया के हैं, देखो अगर हमारे इंडिया के डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो कौन इंसान सेफ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए और प्लीज़ इस चीज़ पे कुछ एक्शन लीजिए। आई रिक्वेस्ट फ्रॉम एंटायर SIN कम्युनिटी एंड SIN टीम, प्रतीक अपन दोनों रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ के लिए जस्टिस करिए। वी आर विथ हर, हम उनके साथ हैं, ऑल्सो वी वॉन्ट जस्टिस फॉर हर। और अगर साइबर आर्मी के कुछ लोग अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्दी हम लोग एक रैली इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो प्लीज़ उस रैली को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, और सारे लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। बिकॉज आप लोग, ये दिसंबर के अंदर में होगा, और इवन सिन और ICA खुद कप ऑफ एक्सेलेंस के अंदर में जाकर और लोगों को इस चीज़ के बारे में एजुकेशन देना स्टार्ट करेंगे, काउंसलिंग सेशंस। एंड मेरी डॉक्टर से भी एक रिक्वेस्ट है, बिकॉज मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पर फ्री काउंसलिंग सेशंस नहीं मिलते हैं, तो इसलिए SIN ने खुद ने एक ऐसा मॉडल बनाने का विचार किया है जो कि इस काउंसलिंग को आपके लिए फ्री कर दे। वो अराउंड नवंबर तक लॉन्च हो जाएगा, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि उसका बीटा वर्जन इसी अगस्त के एंड के अंदर हम ट्राई करते हैं उस चीज़ को लॉन्च करने की प्रति, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ उन्होंने बोली, मैं उसको बोल गया था। तो प्रतीक इस चीज़ पे अपन काम करते हैं। बिल्कुल, एक चीज़ और लास्ट में बोलूँगा कि अब पेरेंट्स को किस तरीके से बच्चों के साथ में ट्रीट करना चाहिए एज अ फ्रेंड, बिकॉज उन्हें ये अब ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा, हम हमारा बेस्ट दे रहे हैं बट यू आर नॉट गिविंग योर बेस्ट। एक्चुअली उनके लिए क्या चीज़ होगी कि आज के टाइम में सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये समझना होगा रिलेशनशिप इज़ अ कॉमन थिंग। सबसे पहली चीज़ जो पेरेंट्स को समझनी है कि रिलेशनशिप इज़ अ कॉमन थिंग, बच्चे इस चीज़ में आ सकते हैं। अब आपको ये सोचना है कि आप उन्हें निकालोगे या नहीं निकालोगे, बिकॉज अब ये वो ज़माना नहीं है कि आप जाओगे बात करोगे दो जने बैठ के, दो बुजुर्ग बात करेंगे इन दोनों की शायद नहीं। आगे जाके अगर फ्यूचर के अंदर में कुछ भी मिसलीडिंग होती है तो इशू क्रिएट होगा, बिकॉज सारी की सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ से निकल के आती है। और मेंटल हेल्थ का एक मोस्ट पावरफुल एस्पेक्ट है योर लाइफ पार्टनर चूज करना, बिकॉज भले ही आप, तो मतलब प्रतीक वापस अपन घूम फिर के आ तो उसी पॉइंट पे गए कि भाई कंसल्टेंसी आपको बच्चों का फ्रेंड देनी करनी चाहिए और आपको बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा, आपको वो फ्रेंड बन के ही समझ पाओगे। लेकिन यही चीज आपको बिल्कुल, आप अपने सजेशन इस तरीके से दे सकते हैं, उन्हें रोकना नहीं है। बिकॉज कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, अच्छी तरह से दिक्कत है मेरा फोन ले लें, उससे उनकी और चीज बढ़ेगी, एरोगेंट हो जाएंगे और वो चीज और बढ़ेगी। आपको वो चीज देनी है बट उसके फायदे और नुकसान बताना, उसको मॉनिटर करना है, बस उन्हें मॉनिटर करना है, दैट्स इट। बिकॉज़ यही आपका काम है। अगर कोई बच्चा मेरे, लेट सपोज कोई, अगर मेरा कोई भाई मेरे पास में आता है और मेरे से पूछता है भैया मेरे साथ में ये हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, ये मैं उसे बोलूंगा 2-3 दिन टाइम दे, अगर फिर भी इश्यूज होते हैं तो फिर बात करो बैठ के, बस आपस में बैठ के बात करो, फिर भी दिक्कत होता है तो बहुत मोस्ट प्रोबेबली एकदम शांति से कह दो कि भाई नहीं होगा। बिकॉज अगर इस तरीके से अगर अपन सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाए, आगे जाके मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ बहुत खतरनाक हो सकती है और डेंजरस हो सकती है। कलयुग यही है,
बस जो गीता और महाभारत में लिख रखा था कलयुग, कलयुग यही है जो चल रहा है अभी। ऐसे हाथ में मोमबत्ती लेके खड़े होने से कुछ नहीं होगा, हमें इस चीज को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। इस चीज को जड़ से खत्म करने का तरीका यही है, आने वाला जो युग है, आने वाले जो यूथ है उसको इस चीज की नॉलेज देना कि किस तरीके से बातचीत की जाती है। और वो तभी होगा जब बच्चा कुछ सर्टेन सर्कमटेंसेस से बाहर निकलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर लड़का गलत होता है, हर लड़की गलत होती है, ठीक है, ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ लड़कियाँ ही गलत होती है, लड़के गलत होते हैं, गलत दोनों साइड से होता है। अगर बिकॉज एक कुछ ऐसे भी सीन्स मैंने देखे हैं जिसमें लड़की के माँ बाप ने मिलके लड़के को मार डाला, ऐसे भी सीन्स होते हैं। ये मत सोचना कि सिर्फ लड़कियों के साथ में होता है, लड़कों के साथ भी हो सकता है। उससे आपको बच के उससे आपको बच के रहना है, और ये तभी बचाव होगा जब लोग इस चीज़ को समझेंगे और इसकी अवेयरनेस जितनी ज़्यादा फैलेगी। बिकॉज आजकल क्या है ना, ऐसा होता है, ये लोगों का ट्रेंड है कि लेट सपोज मेरी कोई बहन है, ठीक है, मैं किसी का भाई हूँ, मेरी कोई बहन है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है और मेरे को पता चलता है, मैं उसे मारने पहुँच जाऊँगा। क्यों? उसका हमने पूछा ही नहीं कुछ चीज़, पूछा ही नहीं, टाचा ही नहीं, अब मैं उसको मारने पहुँच जाऊँगा। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है, मैं उसे मारने पहुँच जाऊँगा बिना कुछ देखे बंदा कैसा है, क्या करता है। इस चीज़ को आप प्लीज़ थोड़ा अवॉइड करें। सीधा पहुँच जाऊँगा मैं कि मेरा भाई, उसको पता चल जाएगा, भाई पता चल गया, वो जाएगा उसको मार कर आएगा, ठीक है। अब लोग इस चीज़ को क्या बोलते हैं कि रेस्पेक्ट अमॉन्ग पीपल। यार अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो जिनकी मेंटालिटी इस तरीके से है, तो किस तरीके से समाज आगे बढ़ेगा? अगर आप इसी चीज़ में विश्वास रखते हो अरेंज मैरिज के अंदर में, देन बहुत ज़्यादा इश्यूज डेवलप। आपको देखो बच्चों से खुद से पूछना है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको वो लाइफ जीनी है। बिल्कुल, तो बस यही पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके बहुत स्ट्रिक्ट। इस चीज़ को है ना, इस टॉक्सिसिटी को अपने दिमाग से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी हम जाके कुछ बड़े अचीवमेंट्स कर पाएंगे लाइफ। बिल्कुल, क्योंकि जब तक वो चीज़ नहीं निकलेगी तो हम एक चीज़ पर जस्ट प्लग इन हो जाएंगे और उस चीज़ को अटक जाएंगे। उस अटके हुए माइंड सेट को ऑन करना है, रिवाइव करना है, तब भी जस्टिस हो पाएगा। बिल्कुल, अब कुछ सीन्स ऐसे हुए हैं कि एक लड़की की शादी हो रही थी, सगाई का जब टाइम आया उसने उसी टाइम सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको जो चाहिए था वो उसको मिला नहीं। तो ऐसे केसेस होते हैं, तो आप इस तरीके रोकना पड़ेगा उस चीज को, हटा नहीं सकते। और अगर वो हटा आप नहीं सकते तो देन काउंसलिंग करो, बच्चों की सुनो, उस चीज की सुनो, तभी उस चीज का प्रॉपरली सोल्यूशन हम क्रिएट कर पाएंगे। और पेरेंट्स जो होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जिस चीज को वजन देते हैं दैट इज मनी। मनी इज़ नॉट ऑल ऑफ द सिचुएशन। अगर मेरे पास में लेट सपोज दो ऐसे बंदे हैं जो 1 करोड़ कमा रहे हैं और 1 50 लाख कमा रहा है, और मेरा कोई अगर जो मेरा कोई भाई है, मेरी कोई बहन है, वो उस 50 लाख वाले के साथ खुश है, तो कोई बात नहीं ना, कम से कम खुश तो है। पैसा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक अगर वो खुश है तो वो अलग मेथड निकाल लेंगे। एग्जैक्टली, वही चीज़ हमें करनी पड़ेगी। बिल्कुल, साथ में बैठ के निकाल लेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि क्या होता है ना, देखो एक्चुअल में इस चीज़ के अंदर जो मेजर रोल जो प्ले करता है ना, दैट इज अ ब्रदर। उस जो बच्ची है, उस बच्ची का भाई, उसे ये चीज़ समझनी पड़ेगी, एंड उसके फादर, उन दोनों को, उसके पूरे घर को एक्चुअली ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो ये चीज़ें हैं ये कॉमन है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हलवा हो गया कि यार अब तो ये गलत चला गया, गलत ट्रैक पे चला गया, ये नहीं है। आप अगर रिश्ता भी करते हो तो उससे में भी तो आप बातचीत ही करवाते हो ना। बस वही चीज़ आपको जस्ट बातचीत करनी है, बातचीत से सारा सोल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल, बट क्या होता है ना, पेरेंट्स अपना फ़ायदा देख लेते हैं यहाँ पे कि मेरा इसके साथ में बॉन्ड अच्छा बन रहा है। अरे आपका अगर आपका बॉन्ड अच्छा बनाना है आपको, तो लोगों के साथ में बैठ के बनाइए ना, ज़रूरी थोड़ी है शादी करके बॉन्ड अच्छा बनाओ। बस ठीक है, उसको और उसको रोकना पड़ेगा, इसे रोकना पड़ेगा आप लोग को। जब ये चीज़ें रुकेंगी ना, तो लोगों के अंदर में ईगो कम होगा, और जब लोगों में ईगो कम होगा ना, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट की जो उनकी हर्ट होती है ना, उससे वो थोड़ा सा बचेंगे। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होने से बचेंगे ना, तो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे, रेस्ट ऑफ दी ये चीज़ें ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और ये चीज़ें ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एग्जैक्टली, दैट्स द मेन इशू।